हाय, मेरा नाम मंसूर अहमद है। आपका स्वागत है हमारे चैनल ER मंसूर अहमद। आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि एक वीडियो दोबारा बनाया जाए मोटिवेशन पे, जो पहले अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही थी। तो आपको मैं उस वीडियो के बारे में बताता हूँ, वो क्या है। मैंने बताया था उसमें कि लाइफ जो है हमारी कई चीज़ों से कनेक्ट होती है। जैसे हमारी जिंदगी में होता है ईगो, एक्सक्यूज, स्मोकिंग, व्हाट्सएप, फिर एफबी, फेसबुक, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पबजी वगैरह। ये तो लाइफ क्या है, कई चीजों से कनेक्ट है हमारी। पहले क्या है कि हमारी जिंदगी में ईगो होगा, एक्सक्यूज, स्मोकिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, पबजी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी लाइफ में ईगो हुआ, यानी कि घमंड हुआ, ईगो का मीन से घमंड, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मीन हम क्या समझेंगे, सब कुछ हमें कि दूसरा कोई कुछ नहीं है, तो हो गया ईगो। फिर बात आती है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब है बहानेबाजी। अगर हम कोई काम करते हैं, क्या कहते हैं कि भाई आज मेरे सर में दर्द है, आज नहीं मैं पढ़ता और मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पैर में दर्द है या सर में दर्द हो, तो हम क्या करते हैं, अपने आप ही बहाना बना लेते हैं और उस काम को नहीं करते, वो लोग भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम जिंदगी में क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये चीज़ें भी आप हमारी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होने देती। ऐसे ही क्या होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, पबजी वगैरह हम क्या करते हैं, 24 घंटे चला रहे हैं, इसका हमारी लाइफ में कोई भी बेनिफिट नहीं है। और ये सोशल मीडिया 24 घंटे चलाने से हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, ना ही अपने काम पर ध्यान दे रहे, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, हमारे टाइम को वेस्ट करते हैं। ऐसे क्या होते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब चीज़ें, ये भी आप क्या करते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर 99% लोग इनमें फेल होते हैं। तो ये अगर हमारी सब चीज़ें हमारी जिंदगी में हुई, तो हम क्या नहीं हो सकते, यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमें क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, वाव कहाँ बोलते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे हम जाते हैं ताजमहल को देखकर, हम बोलते हैं वाव क्या चीज़ है, वंडरफुल है। ऐसे ही हमारे माँ बाप होते हैं, माँ बाप के लिए हम वाव बोलते हैं, इसलिए वाव का उल्टा था मोम। तो मोम किसके लिए यूज़ किया, मोम। तो वाव किसके लिए आना चाहिए, मोम के लिए। यानी कि हमारे माँ बाप चाहे वो मजदूरी करें, कुछ करें, पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, काम सिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हमको हर चीज़ में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। इस वजह से इन चीज़ों को भूलकर, सभी चीज़ों को भूलकर हमें क्या देखना चाहिए, अपने माँ बाप को देखना चाहिए। जितने भी काम हैं, ऐसे माँ बाप हैं जिसमें आपका साथ देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।